आज दिखाएंगे श्री हरिराम बान धाम गमा संबल उत्तर प्रदेश में है। 21 कोसीय की परिक्रमा का आयोजन किया जाता है और ये बांध हरि बाबा की दया दृष्टि से 40 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण कराया गया था, जो कि बाढ़ ग्रस्त को बाढ़ का गंगा का वेग ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए इसका बाढ़ का निर्माण किया गया। ये 32 मील का बांध है, निर्माण कराया था। ये 21 कोसीय का परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुओं को परिक्रमा में शामिल होते हैं, जो कि श्री हरि बाबा द्वारा श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु बांध पर गिन्नौर तहसील में बाढ़ग्रस्त इलाके में 40 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण कराया गया, जो कि खादर की बाढ़ग्रस्त रक्षा का काफी बढ़िया नज़ारा दिखता हुआ आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं गार्डन, काफी नज़ारा बढ़िया है। तो गंगा नदी पर बाढ़ पर आने पर 700 गांव का जलमग्न थे, क्योंकि तो श्री हरि बाबा के अंदर द्वारा दया दृष्टि का संकल्प गंगा के लिए बिना किसी आर्थिक सहायता से 45 किलोमीटर लंबा बांध केवल सत्संग के आधार पर बना दिया गया। इसमें गरीबों को श्रम दान भी दिया गया। यह चमत्कार केवल बाबा ही कर सकते हैं। यह 32 मील लंबे केवल बांध केवल 6 महीने में तैयार किया गया और यह 1920 में निर्माण किया गया था बांध का, और यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आज 27/7/2022 तारीख का है। काफी ब्यूटीफुल नजारा है पार्क का, ये कोई बहुत तरीका इंट्रैक्शन दी गई है। और ये हाथी आपको दिखाते हैं, काफी गार्डन में दिया गया है, काफी अच्छा व्यू दिखता है इसका। दिखाते हैं आपको बाबा जी का फ्लैग, प्रतीक है बाबा जी का, दिखाते हैं आपको। चलो यहाँ आए हुए हैं, दिखाते हैं आपको, और काफी यहाँ टीन सेट पर भी बैठे हुए हैं। ये पार्क में प्याऊ के लिए बंद पानी है, व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को शुद्ध पानी मिल सके। श्री हरि बाबा की कुटिया है, आपको दिखाते हैं, ये फिलहाल बंद है, हम दिखा भी देते हैं आपको। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद काफी लंबे में यहाँ श्रद्धालुओं को भीड़ जुटी रहती है। कमरे बने हुए हैं बैठने के लिए, विश्राम के लिए। दिखाते हैं पानी सब फुहारी की तरह चल रहा है, इसके बाद आपको इधर दिखाते हैं बाबा की मंदिर की ओर जाते हैं हम आपको। काफी बंदर यहाँ तायात में है। गेट के निकलने के बाद आपको कीर्तन की मंडली में दिखाते हैं आपको, जो कि हर रात जगराता होता रहता है इनकी बाबा जी के यहाँ। ये मंदिर है जो कि काफी आप दिखाते हैं आपकी किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। श्री हरि बाबा का द्वारा जगराता है, इसमें हम दिखाते हैं आपको। यहाँ भीड़ भजन होता रहता है, काफी दूर दूर की पार्टी हर दिनों में इसका प्रभाव रहता है। दिखाते हैं आपको, कृष्ण जी की मूर्ति है, भजन कीर्तन हो रहा है, आपको दिखाते हैं। काफी प्रचंड व्यवस्था रहती है यहाँ की, इस पर निकलने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को भंडारा हो रहा, काफी तादाद में भीड़ दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं काफी संख्या में भीड़ है, काफी संख्या में दिखाते हैं आपको श्रद्धालु। और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, सीधे चलते हैं आपको श्री हरि बाबा के मंदिर में, आपको दिखाते हैं। और ये खुलने का समय है मंदिर का, 1 बजे से 5 बजे, 12:30 से 2:30 से 9 बजे तक मंदिर में हम एंटर हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको,
दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा। काफ़ी बढ़िया दृश्य है, चारों तरफ दिखाते हैं आपको। और ये बाबा जी का मंदिर है, काफ़ी लंबा है। और इसके बाद दूसरा एक दूसरा मंदिर है। फिलहाल बाबा जी के पट बंद हुए हैं, आपको दिखाएंगे बाद में आपको। अब बाबा जी की स्मृति है यहाँ पर। और ये दूसरा कृष्ण जी का मंदिर है, ये भी बंद हुआ पड़ा है, आपको दिखाएंगे। प्रातः पर श्री हरि बाबा जी की आपको दिखा करके चलते हैं बाहर की तरफ दृश्य। और ये कुछ नृत्य दिए गए हैं, आपको दिखाते हैं बाबा जी। काफी बंदर भी बढ़िया तरीके से, बंदर का फोटो भी दिखाते हैं। उतरने के बाद आपको नजारा दिखाते हैं। ये दो शेर की मूर्ति बनाई गई हुई है बाबा जी के मंदिर में। इसके बाद ऐसा भी दिखता है, काफी अच्छा मंदिर था। इधर से भी एंट्रेंस, इधर से भी जा सकते हैं आप श्रद्धालु लोग। मैं आपको यहाँ पर लंगाड़ा है बाबा जी घंटा बजा कर दिखा देते हैं आपको टाइम। काफी बढ़िया नज़ारा है। बांध का निर्माण का सामान्य परिचय है कि हरि बाबा का गन जन्म में गांव गंगाधर जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार श्री श्री आलू बलिया सम्राट नित्य व्यक्ति थे। ये महाराज जी के विद्यार्थी जीवन में सचानंद छः महीने बाद 34 किलोमीटर लंबा विशाल लंबा बांध संयोजन 1921 में निर्माण कराया गया था। श्री बांध भगवान की कृपा द्वारा समस्त क्षेत्र हमेशा स्वच्छित रहे। श्री भगवान का संपूर्ण जीवन में विशाल गत रूप में आश्रम संपूर्ण रहे। आपको दिखाते हैं लोग। यहाँ पर भी दो हाथी बने हुए हैं जो कि जाने पर मंदिर में यहाँ से बजा देते बाबा। और एक काफी यहाँ मूर्ति भी लगी हुई है हरि बाबा जी की। बाबा जी का लंगाड़ा है यहाँ पर, हम दिखा नहीं सकते हैं, बंदर का आक्रमण है। यहाँ से बाबा जी लंगाड़ा बजाते थे। इसके बाद हम बाहर जाते हैं आपको। अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है, आपको और नजर अभी दिखाते हैं। यहाँ भंडारा कक्ष है, जो भी श्रद्धालु दे सकता है जो भी सामान जी। अभी फिलहाल बाबा जी के मंदिर की सफाई चल रही, कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। ये बाबा जी की कुछ फोटो है, अपन निकलने के बाद आपको दिखाते हैं। ये आपको जो कीर्तन मंगल का दिखाते हैं, इतवार को प्रथम श्री भीकमपुर जहानपुर मडोई, सोमवार को उमदेवपुर करौरा चनौना सिलौला, बुधवार मंगलवार को चंदू नंगला बहज रसूलपुर, बुधवार को निजामपुर, बृहस्पतिवार को सिंधौली एराम और कन्हुआ जयतपोरा, और शुक्रवार को देहरापुरा, शनिवार को सिंधौला ब्राह्मण राजावली, इतवार को तृतीय इतवार को भीकमपुर शाहजहानपुर मंडोलिया, और सोमवार को बिरौरा, और मंगलवार को रेतागढ़ दीपपुर, बुधवार को अकोगागढ़ सोमपुर भीमारावाटी पटोई, बृहस्पतिवार को फैजपुर पानीवाड़ा, शुक्रवार को अहमदपुरा, शनिवार को अकबरपुर नूरपुर बुधपुर लहरा नंगला श्याम रैया सकेली रामपुर सिलौला काजी आदि। जो कि यहाँ पर कीर्तन इन इन दिनों को होता है।